हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज ग्रुप। दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि रिट लेवल फर्स्ट अध्यापक भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें, वो भी दोस्तों घर बैठे बिना किसी ई मित्र की सहायता से और बिना किसी कंप्यूटर सेंटर की सहायता से। दोस्तों, हाल ही में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने रिट लेवल फर्स्ट प्राथमिक उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SSO ID होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये सभी आवेदन SSO ID के थ्रू होंगे। अगर दोस्तों SSO ID अभी तक आपने नहीं बनाई है तो आप SSO ID बना लें। SSO ID किस प्रकार बनाई जाती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं, तो आप वहां जाकर के वीडियो देखें और SSO ID बनाएं। क्योंकि दोस्तों SSO ID बनाते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यदि आपने एक बार SSO ID बना दी तो दोस्तों अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो दूसरी SSO ID बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप SSO ID बनाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया है वो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा मेन बिंदु पे आते हैं। तो इसमें आज अपन बात करेंगे कि रिट लेवल फर्स्ट 2018 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं और SSO ID के थ्रू। दोस्तों, क्योंकि इसके जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2018 है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। आप घर बैठे बिना ई मित्र की सहायता से अपने मोबाइल से या अपने घर के कंप्यूटर से आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो पहली स्टेप दोस्तों शुरू करते हैं। आप अपने ब्राउजर में सीधा आप लिखिए SSO ID के लिए SSO.rajasthan.go.in पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने जो पेज होगा उसमें SSO ID आपको डालनी होगी। ये देखिए दोस्तों, ये पेज सामने खुलेगा तो यहाँ आपको यूजर ID डालनी है और यहाँ उसका जो पासवर्ड है दोस्तों ये पासवर्ड डालना है और यहाँ ये जो कैप्चर लगा हुआ है यहाँ इसका कैप्चर डालना है। यदि दोस्तों आपने अभी तक SSO ID नहीं बनाई है तो दोस्तों आप यहां रजिस्टर पर क्लिक करके SSO ID बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां आप यूजर ID डालनी है और यहां आपका पासवर्ड डालना है दोस्तों, और ये जो कैप्चर है वो कैप्चर यहां आपको डालनी है। जैसे आप ये कैप्चर डालोगे तो आप सीधा लॉग इन हो जाओगे। जैसे मैं ये कैप्चर डाल रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये अपनी SSO ID है, वो लॉग इन हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारी SSO ID खुल गई है। दोस्तों SSO ID में पूरा जो डेटा है वो सही तरीके से आपसे आपको भरना है, और जब आप SSO ID के अंदर लॉगिन हो जाते हैं तो आपको ये जो रिक्रूटमेंट जो ये पोर्टल है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन यहाँ है, ये देखिए रिक्रूटमेंट। अगर बाई चांस आपको ये पहले ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो देखिए ये अल्फाबेट R से शुरू हो रहा है दोस्तों, ये R से शुरू हो रहा है। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ से A B और A R से चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि अल्फाबेट के हिसाब से ये R पर आपको मिल जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने SSO ID में कहीं पर भी इसे नीचे जाकर सर्च कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं। पोर्टल पर आप जैसे ही लॉग इन हो जाते हो तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। दोस्तों पेज के अंतर्गत यहाँ आपको मैं बताऊं, अभी तक आपने पहली बार यदि SSO ID के थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल आपने खोला है तो जो अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट की जितने भी एग्जाम SSO ID के थ्रू अप्लाई हो रही हैं वो यहाँ शो होंगी। अब देखिए दोस्तों, एक ये है पहला, हमें यहाँ करना है अभी अपन रिट लेवल फर्स्ट के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपने पहले भी SSO ID के थ्रू कोई RPSC या कोई राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा हो तो यहाँ इसका जो एप्लीकेशन है वो माई एप्लीकेशन में यहाँ दिखा देगा दोस्तों। तो यहाँ आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं वो दिखा देगा। जैसे अपन ये जो राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की भर्ती अप्लाई कर देंगे तो ये रिक्रूटमेंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन डायरेक्टली ही रिट लेवल फर्स्ट
कि अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहां आपको क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे एक क्वेश्चन करता है कि डू यू वांट द फेस डाटा फ्रॉम कैंडिडेट प्रोफाइल। ये कहता है कि आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, आपके SSO ID में जो डेटा है वो सेम का सेम ही इसमें आप लेना चाहते हो, तो आप इसको यस करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे यस करोगे तो सामने वो पोर्टल खुल जाएगा सीधा। तो यहाँ आपको चार बातें दी गई हैं दोस्तों। यहाँ नंबर एक, लेवल फर्स्ट नॉन TSP एरिया जनरल टीचर, जो TSP एरिया से नहीं है वो यहाँ क्लिक करके आवेदन करें, और जो TSP एरिया से हैं वो यहाँ से आवेदन करें। सामान्यतः मैं आपको बता दूं, TSP का मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र, यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो TSP से करें, अगर वो नहीं है तो नॉन TSP से करें। फिर दोस्तों नंबर तीन का है कि लेवल नॉन TSP एरिया स्पेशल टीचर, ये सर दोस्तों स्पेशल टीचर के लिए है, और नीचे वाला है TSP एरिया जनरल टीचर। यहाँ तीन बातें आपको ध्यान में देनी है। देखिए दोस्तों, ये देखो लेवल एक नो जनरल टीचर सामान्य टीचर है, और ये लेवल एक स्पेशल टीचर, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर नॉन TSP एरिया से हो तो आप जनरल टीचर पर आप अप्लाई करें दोस्तों, ठीक है। चलिए इस पर अपन क्लिक करते हैं, और जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जो मेन जो पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें हमारी बहुत सा डाटा है। इसमें या तो ऑलरेडी अगर आपने पहले SSO ID के थ्रू कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, अगर नहीं भी आया है तो आप यहाँ हर कॉलम है वो भर दीजिएगा, और वरना तो ये अपना डेटा है वो ऑटोमेटिकली है फेच कर लेगा दोस्तों। यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना लिंग, सारी डेटा फॉर्मेलिटी आप करने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो आप नहीं कर दें, अगर है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। आपने शादी में दहेज लिया था, नहीं लिया था, ठीक है। तो ये करने के बाद आप अपना जो पत्राचार का जो एड्रेस है वो सही सही आप भर देना दोस्तों, ठीक है। अगर आपका पत्राचार जो पता है और स्थाई जो पता है अगर एक ही है तो आप यहाँ सेम द अबव यहाँ कर दीजिएगा, तो वो ऊपर वाला सेम का सेम नीचे आ जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपका मूल निवास कहीं है और आप जनरली कहीं रहते हो, और जहाँ वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ ये जो नेक्स्ट बटन है, इस नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट आप बटन पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी। पीछे वाला तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये है पर्सनल डिटेल, यानी इसमें आपकी राष्ट्रीयता क्या है, स्टेट कौन सा है आपका। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान कर लीजिएगा, यदि आप राजस्थान के अलावा कोई भी स्टेट के हो, जैसे हरियाणा है, UP है, बिहार है, जो भी अलग राजस्थान के अलावा जो भी राज्य है, तो वहाँ अपने राज्य है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ब्लॉक इसमें आपका कौन सा है वो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर अपनी तहसील है दोस्तों, यहाँ आपको भरनी है। गांव कौन सा है आपका, वो गांव यहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जिस ब्लॉक के नीचे आप आते हैं, जिस तहसील के नीचे आप आते हैं, वो ब्लॉक उस गांव का आप चिन्हित कर ले। यदि आप इंडिया से बाहर पहले थे तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा, वरना आप इसको नो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर आती है स्पेशल श्रेणी आपकी कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत दोस्तों यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप यहां यस कर सकते हो, ठीक है। यस करने के बाद आपके PPO नंबर यहां डालने होंगे, इस कॉलम में आपको PPO जो नंबर है वो डालने होंगे, और जो रिटायरमेंट की जो डेट है, आपने पिछले डिपार्टमेंट से कब रिटायर्ड हुए थे, वो रिटायरमेंट की डेट इसमें आपको डालनी, ठीक है। यदि आप स्पेशल स्पोर्ट्समैन हो तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा, वरना नो रहने जाएंगे। यदि आप भूतपूर्व कैदी हो तो आप यहाँ, मतलब इसमें जो भी फॉर्मेलिटी है जो डॉक्यूमेंट में वो आपको भरनी है, यदि आप उसमें पत्थर हो तो वो कर सकते हो, वरना इसमें समय आप नो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अतिरिक्त श्रेणी, अगर आप इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके अंतर्गत अगर यदि युद्ध लड़े हो तो आप इसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर यदि स्टेट गवर्नमेंट हो तो आप ये इसको
चेक कर सकते हो। यदि इनमें से कोई भी नहीं हो तो इसको आप खाली छोड़ दे और नेक्स्ट कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही नेक्स्ट करेगा तो आप अपने सामने अगला जो स्टेप है वो खुल जाएगा दोस्तों। स्टेप के अंतर्गत आपकी क्वालिफिकेशन है वो आएगी दोस्तों, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपको अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जितने भी आपकी मतलब क्वालिफिकेशन है वो इसमें आपको डालनी है। क्वालिफिकेशन के सारे डेटा भरने के बाद आपको इनके जो फाइल है वो पीडीएफ में अपलोड करनी है। और फाइल ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम उसकी साइज हो वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप बोर्ड से कहीं बहिष्कार किया है तो आप इसमें अब यस कर सकते हो। यदि आप बोर्ड ने आपको कहीं पर भी दंड नहीं दिया है किसी परीक्षा के समय या दोषी नहीं ठहरा है तो आप इसे नो कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आता है दोस्तों अगला पेज, इसमें आइडेंटिफिकेशन और इनक्लोजर है वो आपको अपलोड करने हैं, सिग्नेचर और फोटो दोनों ही। तो जो फोटो की साइज है दोस्तों वो 50 KB से तो कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अपने जो हस्ताक्षर या सिग्नेचर हैं वो 20 KB से कम नहीं होने चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बॉडी जो मार्क है, आप अपने शरीर का कोई भी जो पहचान है वो यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे यदि आपके कोई तिल है तो मैं डाल रहा हूँ। बॉडी मार्क लिखने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ से नेक्स्ट करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद अपने पास लास्ट और फाइनल स्टेज अपने पास आएगी दोस्तों। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ आपको उस डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है जहाँ पर आप अपना आवेदन भरना चाहते हैं। प्रेफरेंस है वो दोस्तों आप 31 दे सकते हो, 31 जिलों में दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 31 जिले यहाँ हैं, ठीक है दोस्तों। 31 में आपको सबको अपने अपने कोई भी जिले का नाम है वो आप भर सकते हो दोस्तों। जैसे मैं यहाँ कोई भी एक का चुनाव कर लेता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने अजमेर कर लिया, ठीक है। पहला अजमेर आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने अजमेर किया तो यहाँ अजमेर आ गया, ठीक है। फिर दूसरा आपको सभी भरने पड़ेंगे दोस्तों, एक एक करके, ठीक है दोस्तों। एक एक करके आपको सभी भरने पड़ेंगे। वीरियता आपको देनी है कि पहले आप अजमेर में, यदि आप कंपटीशन में आ जाते हो, मेरिट में आ जाते हो, तो आपकी जो पसंदीदा जो जिला है जिसमें आप पोस्टिंग चाहते हो तो वो आप पहली बार भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप वीरियता भर, इस तरह से दोस्तों वीरियता भरने के बाद आप लास्ट में नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक करोगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि एड सेलेक्ट 31 नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ 31 जिलों का नाम भरना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने लास्ट में 2 जिलों का नाम है वो खाली छोड़ दिया था दोस्तों। तो आपको यहाँ भरना, अगर नहीं भरना चाहते हो तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, इसको आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा। अब हमने जैसे ही सभी 31 जिलों का यहाँ वीरियता दे दी तो अपन नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। आपने जो भी डाटा इसमें भरा है वो सारा का सारा इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई भी गलती हो तो दोस्तों इसमें एक बार अपन अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप विशेष ध्यान दें और पूरा तसल्ली से चेक करने के बाद ही आप इसे आगे है नेक्स्ट है वो कीजिएगा, ठीक है। पे फीस, अब अपन पे फीस पर क्लिक करेंगे तो अपन ये पूछा डू यू वॉन्ट टू पे फीस, ओके हाँ मैं फीस है वो पे करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ केवल 70 रुपये का जो चार्ज है एप्लीकेशन फीस है वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए, ठीक है, ये चार्ज दिखा रहा है। तो पे फीस पर अपन क्लिक करेंगे दोस्तों और आगे ये प्रोसेस होगा दोस्तों, ठीक है। अब ई मित्र एग्रीकेटर आएगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप ई मित्र के थ्रू भी
ये पैसे जमा कर सकते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप इसे जमा करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप नेट बैंकिंग से इसको आप पे कर सकते हो। तो जिस बैंक का आपका अकाउंट है और जो ऑनलाइन है, इसके लिए दोस्तों आपका अकाउंट है वो ऑनलाइन होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने घर बैठकर सारा फॉर्म भर दिया और आपका अकाउंट ऑनलाइन है तो नहीं है, तो भी आप घबराएं मत, किसी अपने साथी से पूछ लीजिएगा और फिर दोबारा आप SSO ID पे लॉग इन करके दोबारा इसको आप पे नाउ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना जो बैंक है वो आप सेलेक्ट करें और पे नाउ पे आप नेक्स्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जैसे पे नाउ पर आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी जो बैंक का आईडी है वो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड ये मांगेगा। तो दोस्तों इस पेज को आप रिफ्रेश ना करें, बैक ना जाए, ये जैसे प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन आप होने दीजिए। और यहाँ आप यूजर नेम डालेंगे और यहाँ आप इसे अपना जो पासवर्ड है वो डालेंगे, और जैसे पासवर्ड आप डालोगे लॉगिन होंगे तो आपके सामने जो टोटल चार्ज है टैक्स लगा करके, GST लगा करके, तो वो सारा का सारा आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 70 रुपये का तो चार्ज है, फीस है, सॉरी 70 रुपये की फीस है, प्लस 26 रुपये ये एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो भर सकते हो। और दोस्तों मैं आगे यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म बीच में छोड़ दिया हो, स्टेप 2 भर दी हो और फिर ये फॉर्म भरा नहीं जा रहा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार नहीं भरना है। जितनी आपने स्टेप भर दी हैं वो पूरी की पूरी स्टेप दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आपने भर दी उससे आगे की स्टेप आप भर सकते हो। वो दोबारा आप कैसे देख सकते हो, मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया हो ऑनलाइन, ठीक है, और बाय चांस हुआ नहीं हो, तो आप दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां से जाकर के तुरंत आप क्लिक कर दे तो आपका जो फॉर्म है वो आगे भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं कि जैसे मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है दोस्तों, तो अपने पेमेंट वाले ऑप्शन पर दोबारा अपन कैसे आएंगे, आप SSO ID दोबारा लॉग इन करना दोस्तों, ठीक है, और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना, और जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपके सामने जो फॉर्म रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो मेन होम पेज है वो खुल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ जो एप्लीकेशन है वो यहाँ इस कॉलम में आ जाए, माय एप्लीकेशन में आ जाएगा दोस्तों, जहाँ जो भी आपने SSO ID के थ्रू जो भी ऑनलाइन अप्लाई किया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ से क्लिक करें और अप्लाई नाउ पर क्लिक करें, क्योंकि अभी तक आपने पूरा नहीं भरा है, सबमिट नहीं हुआ क्योंकि आपने पे नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी अप्लाई नाउ दिखाई देगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा। और कहाँ कमी रह गई और मतलब कहाँ कौन कौन सी स्टेप आपने भर दी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जा करके इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट करने के बाद आप आगे, तो एक एक आप जैसे नेक्स्ट करोगे स्टेप तो आगे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी दोस्तों, देखिए दोस्तों लास्ट स्टेज पे मैं आ गया हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी, हालांकि मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया है, पहले से ये आपने सेव कर दिए तो ये ऑलरेडी सेव ही रहेगा, ठीक है, जब तक लास्ट सबमिट फाइनल नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन इस तरह से अपन लास्ट प्रीव्यू होंगे दोस्तों, वेरीफाई करने के बाद, अपनी सारी जानकारी चेक करने के बाद अपन नेक्स्ट बटन से यहाँ क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो स्विच है, बटन है, वो सोने हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है साइट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट वो दिखाई देगा और आप पे कर सकते हो और लास्ट में इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो फिर दोस्तों अपन अपने बैक टू SSO ID पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अपने एप्लीकेशन है वो क्लोज करनी है दोस्तों। तो बैक टू SSO ID पर जाने के बाद अपन वहाँ से अपने SSO ID है वो लॉग आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अपन SSO ID पे आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ से ये जो क्रॉस का बटन है यहाँ से अपन क्लिक करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे और सुरक्षित तरीके से अपना जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा दोस्तों, तो इसे लॉग आउट करना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप एक बार कर लेते हो तो मेरे आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको
मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जब आप करते हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जो घंटा है उसे जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रिट की जिलेवार कितनी वैकेंसियां हैं वो उनकी PDF फाइल का लिंक दे रहा हूँ, तो दोस्तों उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे आप पूरी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म है वो अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और कुछ सामान्य क्वेश्चंस हैं जो एक कैंडिडेट के क्या क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और उनका आंसर भी साथ में उसका आंसर भी दिया। तो दोस्तों उन दोनों फाइलों को आप पढ़ें और उसके बाद ही आप SSO ID के थ्रू आवेदन करें। यदि दोस्तों मैं अंत में यही कह रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक SSO ID नहीं बनाई है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, तो SSO ID कैसे बनाई जाती है वो वीडियो आप पूरा देखें दोस्तों, उसके बाद ही आप SSO ID बना सकते हैं घर बैठे। कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से। बस कुछ एक फाइल है वो आपके पास होने चाहिए, जैसे फोटो है, कुछ अपने प्रूफ के हैं, जैसे कोई आधार कार्ड है, इसके जो फोटोज हैं वो अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में होने चाहिए, बाकी कहीं पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो या आपको कुछ सवाल मुझसे करना हो, तो नीचे आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। तो हो सकता है कि आपकी समस्या का मैं अगला वीडियो भी आपको बना दूं। तो दोस्तों मंत में ये कहूंगा कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।